हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुपर सिस्टर्स में। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सोया चाप। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी। के लिए मैं ले रही हूँ 250 ग्राम चाप, जिनको मैंने जो है इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। इनके बीच में जो डंडी थी उनको निकाल दिया है। और जो ये है, 2 अनियन मैंने फाइन चॉप कर लिए हैं। और ये मैं कुछ गार्लिक के स्लाइसेस ले रही हूँ, 2 टमाटर, और ये कुछ मसाले जो है इसमें 2 लौंग, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ी 2-3 हरी इलायची और 1 लाल मिर्च, और हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर। मैंने ऑयल गरम होने रख दिया है। ऑयल गरम हो चुका है, अब जो है हम अपने ये इन पीसेस को जो है फ्राई करेंगे। इस तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। ये पीसेस जो है फ्राई हो चुके हैं, इनको हम ट्रांसफर कर लेंगे एक और बोल में। एक्स्ट्रा ऑयल निकलने देंगे और इन्हें अपने बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। और हम और इसमें जो है अपने जो है पीसेस और डाल देंगे। जब तक जो है चाप फ्राई होते हैं, मैं अपना जो है मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ और टमेटोज भी ग्राइंड कर लेती हूँ। ये पीसेस भी फ्राई हो चुके हैं, इनको भी निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में जो है अनियन फ्राई करेंगे। अनियन जो है फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें जो है कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, और अब जो है अपनी टमाटो प्यूरी डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे पकाएंगे, फ्राई होने देंगे अच्छे से। जब तक मसाले जो है ऑयल ना छोड़ दें, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। जब मसाले ऑयल छोड़ देंगे तो ये रेडी हो जाएगा। ये फ्राई हो चुका है, अब हम जो है अपने ग्राइंड मसाले पीस डालेंगे इसमें। इसमें मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर लिया है। साथ ही हम ऐड कर लेते हैं नमक। वन एंड हाफ टीस्पून नमक ऐड किया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। और मसालों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। मसाले जो है फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें 1/2 बोल पानी ऐड करेंगे और इसको जो है मिक्स करके इसमें एक उबाल आने देंगे अच्छे से। ग्रेवी में बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम इसमें सूखी खटाई ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून जो है सूखी खटाई या अमचूर पाउडर। और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे अपने जो है चाप।
और इनको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर जो है इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे। इसको 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढक्कन हटा के देखेंगे। रेडी हो चुका है ये। ट्रांसफर कर लेंगे एक बोल में। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।